आज 1 वीक कंप्लीट हो गया है। रुजुता दिवेकर इंस्पायर्ड वेट लॉस डाइट को मैं 1.5 साल से फॉलो करती आई हूँ। पिछले 1 हफ्ते से फिर मैंने एक ट्विस्ट लाया, उसमें कैलोरी काउंटिंग स्टार्ट कर दी। रुजुता मैम कैलोरी काउंटिंग के फेवर में नहीं है, बट ये ट्विस्ट मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है सो दैट मुझे इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स ऑन टाइम, जैसे मैं चाहती हूँ, एक टारगेट के हिसाब से मिल जाएँ। और हेल्दी मैनर में ही कर रही हूँ मैं। इस 1 वीक में मेरा 1.8 to 1.9 kgs लूज़ हुआ है। इनफैक्ट मेरे साथ मेरी मम्मा भी ये डाइट को फॉलो कर रही हैं एंड शी इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग इट एज़ वेल। बट हाँ, कैलरी काउंटिंग इज़ नॉट समथिंग सस्टेनेबल, थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है। बट फॉर लाइक 28 days और फॉर 84 days आई एम श्योरली गोना डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू। Day 8, 20 May 2021, 60.9 kg। ये वाला वीक मैंने लाइक जो पूरा वीक है 62.7 kg से स्टार्ट किया था एंड 1 वीक के बाद 60.9 kg हो गया है। सो दिस इज एक्चुअली 1.8 kg का वेट लॉस इस हफ्ते में, विच इज लाइक वे टू मच। बट एक्चुअली ना 62.7 kg ना मेरा बस एक आधे दिन के लिए ही था। पहले मेरा 62.2 और ऐसे करके कुछ था, तो उसके हिसाब से तो 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो ही कम हुआ है एंड दैट इज़ हेल्दी। 1 वीक में ना मैक्सिमम 1 kg वेट कम होना चाहिए है एट माई वेट, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए या फिर इससे कम ही होना चाहिए, वही हेल्दी वेट लॉस होता है। बट कोई बात नहीं, स्टार्ट में जब एकदम से अच्छी करते हैं डाइट तो थोड़ा ज़्यादा वेट कम हो जाता है, तो दैट इज़ ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिकॉज हमें पूरा मंथ का देखना है, एक मंथ में 3.5 kg से ज़्यादा कम नहीं हो जाना चाहिए है, वो फिर मुश्किल वाली बात हो जाएगी, वो अनहेल्दी हो जाता है, वैसा नहीं करना है बिल्कुल भी। 3 to 3.5 kg मैक्सिमम होगा और 2 kg तक ठीक रहता है। बेस्ट यही रहता है कि 1 महीने में हम 2 kg वेट कम करें, वो बहुत सस्टेनेबल और अच्छा रहता है। 2 मिनट के बाद ही ना 60.8 kg आ रहा है, तो लगभग यहाँ पर तो भाई 1.9 kg ही कम हो गया एक हफ्ते में, विच इज़ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वेट एक्चुअली। आई एम हैप्पी एज वेल बिकॉज लाइक ऑब्वियसली टारगेट इज़ वेट कम करना, चाहे जल्दी भी हो गया बट कोई बात नहीं। एंड थोड़ा सा वेट फ्लक्चुएशन इज ऑलवेज देयर वेइंग मशीन्स में ना। अरे वाह, आज तो सुबह उठते ही कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। चेरीज आई है, मुझे बहुत पसंद है हरे वाले बादाम। सो आज सुबह सोक्ड आमंड्स की जगह फिर तो मैं 5 हरे वाले बादाम खाने वाली हूँ। एक ग्लास पानी में सुबह उठ करके पी चुकी हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट मील ऑफ द डे। चेरीज आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, कांट वेट टू ईट देम। आज देखती हूँ मैं मिड आफ्टरनून स्नैक के टाइम पर। 5 आमंड 6 ग्राम के हैं, 1 ग्राम में 5 कैलोरीज होती हैं, तो ये टोटल हो गया 30 किलो कैलोरी। देन मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं उत्तपम बना रही हूँ, जिसको मैंने 1.5 teaspoon to 2 teaspoons गाय के देसी घी और नारियल पीस एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में कुक किया है लोहे के तवे पर। 2 घंटे के बाद फिर अब मैं वार्म लेमन वाटर। 2 घंटे के बाद लंच टाइम, लंच में राजमा चावल खा रही हूँ मैं और टोटल 1 से 1.5 बाउल आई एम गोना ईट लाइक 1.5 कप्स अप्रॉक्सीमेटली कुक्ड वाले। और ये मैंने 1/4 कप अनकुक्ड राइस को कुक करके बनाया हुआ वाला चावल इतना मैं खा रही हूँ और साथ में थोड़ी सी सैलड है। क्या आपने मेरी मम्मा की पंजाबी स्टाइल वाली राजमा की रेसिपी देख ली है? कुक विद कैलोरीज चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है एंड दैट टू विद कैलोरी काउंटिंग, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि 1 कप कुक्ड राजमा यानी कि 1 कप सर्विंग में कितनी कैलोरीज होने वाली हैं। मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट, आई एम वर्किंग रियली हार्ड ऑन दैट चैनल। आफ्टर 2 आवर्स मैं अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स वाटरमेलन खा रही हूँ फॉर माई मिड आफ्टरनून स्नैक। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं 100 ग्राम्स चेरी और 300 ग्राम्स फ्लैश ऑफ मैंगो खा रही हूँ। देन आफ्टर सम टाइम मैंने 30 मिनट्स के लिए मीडियम पेस पर वॉक की थी और अपने इवनिंग स्नैक के लगभग 3 घंटे के बाद मैं आई एम हैविंग माई डिनर। डिनर में मैं एक बिल्कुल हेल्दी मैनर में कुक किया हुआ रोटी पिज़्ज़ा खा रही हूँ। इट ओनली हैज़ 328 to 330 कैलोरीज।
देन डिनर करने के बाद मैंने 100 to 200 स्टेप्स स्लो वॉक किया था. आफ्टर दैट अब 2 घंटे हो गए हैं, मैं एक ग्लास ठंडाई पी रही हूँ. 200 ml काउज मिल्क है जिसमें की, और बाकी मैंने थोड़ा वाटर डाला है. मुझे दूध और पानी मिक्स करके ठंडाई बहुत पसंद है. और साथ में है 8 काजू. आई थिंक बहुत दिनों के बाद मैं काजू खा रही हूँ, अदरवाइज ना मेरा कैलोरी काउंट कंप्लीट हो जाता था रोज. आज फाइनली बचे हुए थे कैलोरीज, सो आई कैलकुलेटेड एंड फिर मैंने देखा कि अच्छा इतने सारे हैं, तो देन अकॉर्डिंगली आई कैन ईट फ्यू काजूस. सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, बहुत दिनों के बाद मिल रहा है खाने को. तो आज मेरे 1700 कैलोरीज कंप्लीट नहीं हुए. अल्टीमेटली व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं अपनी एपेटाइट के हिसाब से ही खाने वाली हूँ, अपनी कैलोरी काउंट के आसपास. कभी थोड़ा कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी. बट हाँ, कोशिश मेरी यही रहेगी कि जिस दिन मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ उस दिन 1700 कैलोरीज, जिस दिन मैं बिल्कुल कम एक्टिव हूँ उस दिन 1500 के आसपास कैलोरीज. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, लुक आउट, जस्ट लिव हेल्दी.